हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक जॉब का नोटिफिकेशन आया है कि उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 अक्टूबर 2017 से वो जो जॉब है वो नोटिफिकेशन में ये डेट दिया हुआ है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 तारीख तक वो 10 तारीख तक स्टार्ट होगा और चलेगा 9 नवंबर तक। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या वैकेंसी है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली जो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर। ठीक है, उसका जो स्केल है वो है 13,500 से 25,520 और जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 62। इस 62 में आप देख सकते हैं जनरल के लिए 34 है, ओबीसी के लिए 17 है और एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 5 है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर एक सर्विसमैन होते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक सर्विसमैन अगर होते हैं तो आपको 6 आपका लिए जो वैकेंसी है वो है 6 और एक सर्विसमैन का जो एज लिमिट है वो है 40 और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल पे हो सकता है, मैकेनिकल पे हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो सकता है। और यहाँ पर अगर एज में आते हैं तो एज यहाँ पर रखा गया है 18 to 28। तो बेसिकली और जो पोस्ट है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पोस्ट है। ठीक है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट है और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल के लिए वो सिर्फ 1 पोस्ट है। ठीक है, और ये जो क्वालिफिकेशन रखना चाहिए आपका जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए वो क्या होगा, आपका बीटेक रहेगा। ठीक है, 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है और मैकेनिकल हो सकता है, तीनों। और एक पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है और सिविल है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल है वो 18 नंबर ऑफ वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स 16 है, मैकेनिकल 4 और सिविल में 5। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें आपको 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल पे सिविल। तो यही चीज़ है, यही पोस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको हो सकता है। तो बेसिकली जॉब प्रोफाइल आप देख लेते हैं, जॉब प्रोफाइल में ये शिफ्टिंग ड्यूटी पड़ सकता है जो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सबको, कि यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट आपको इसमें नाइट शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली जो स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर है उसमें 3 टेस्ट होगा। ठीक है, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद साइको टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, मतलब सेक्शन इंजीनियर है और जूनियर इंजीनियर का भी जो पार्ट है बाद में जो दिखा है आपको, वहाँ पर सिर्फ दोनों ही होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट और एक पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर साइको टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं आपको सिलेबस। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मराठी लैंग्वेज, अगर आपका मराठी लैंग्वेज आप नहीं पता है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% पासिंग मार्क इन पार्ट 1 विल only consider eligible for evaluation of part 2 and part 3। अगर आपको 40% नहीं आता है part 1 पे जो मराठी लैंग्वेज है, 40% मतलब आपका जो मराठी लैंग्वेज है 15 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चंस पे 40% आपको ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, 35 जो क्वेश्चंस होगा, 35 क्वेश्चंस होगा जनरल अवेयरनेस रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी रहेगा, और एक 100 मार्क्स जो होगा वो होगा टोटल आपका ट्रेड, आपके करस्पॉन्डिंग जो ट्रेड होगा उसमें आपको, आपका जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम होगा उसका आपको नॉलेज से आपको क्वेश्चंस आएगा। तो बेसिकली 15 + 35 = 50 और 100 में एग्जाम होगा, मगर आप मराठी लैंग्वेज अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है,
और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो एज है, एज में आपको बता चुका हूँ कि 18 से 28 तक, और जो एससी है एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का छूट है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का छूट है, ठीक है। और जो इसका जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है वो क्या है, अगर आप जनरल हो मतलब जनरल और ओबीसी के लिए क्या है ये 400 है, ठीक है, और ओमेन और एसटी एससी के लिए ये 150 है, और ये क्या है ये नॉन रिफंडेबल फी है। तो फ्रेंड्स आप अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन ले सकते हैं और अच्छी तरह से प्रिपेयर हो तो इसको आप कर सकते हैं। आप इसको अप्लाई करने के लिए नीचे जो ये लिंक है इसमें जाना जाइएगा आप www.metrorailnagpur.com। और एक चीज फ्रेंड्स, ये जो साइको टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा वो होगा नागपुर में, ठीक है, तो वो जो दोनों होगा वो क्या होगा नागपुर में होगा। तो इस साइट पे जाइएगा आप करियर्स में, इस साइट से जाने के बाद आपको करियर ऑप्शन में जाना चाहेगा, करियर ऑप्शन में आपको सारा की सारा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जॉब का नोटिफिकेशन, इसी तरह मैं जॉब का भी कुछ इंपॉर्टेंस कौन से जॉब्स होगा तो वो भी नोटिफिकेशन लाता रहूंगा। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।